हाय नमस्ते, मैं हूँ आप सबके शिल्पा एंड मैं सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे चुलबुल शिल्पा के लाइफ पे। तो बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ भुवनेश्वर ओडिशा से, तो क्यों ना आप सबको कुछ जानकारी हासिल करवाती हूँ इस भुवनेश्वर से। तो जैसे कि कहाँ से कैसे ये वर्ड डिराइव हुआ है, किस भगवान के ऊपर ये आधारित हुआ है और ये हम भुवनेश्वर को टेंपल सिटी ऑफ ओडिशा क्यों कहते हैं। तो चलो मैं बताती हूँ ये वर्ड भुवनेश्वर कहाँ से किस लिए कैसे डिराइव हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ओडिशा में स्पेशली डिवोटीज भगवान लॉर्ड शिव जी के ही हैं, मौजूद हैं। तो भगवान शिव जी के एक ही नाम नहीं है, बहुत सारे नेम है। तो ये वर्ड भुवनेश्वर भगवान शिव जी के ऊपर आधारित हुआ है। जैसे कि एक नाम भगवान शिव जी का है त्रिभुवनेश्वर। त्रिभुवनेश्वर का मतलब है गॉड ऑफ थ्री वर्ल्ड, मतलब कि तीनों लोक का भगवान। तो ये वर्ड भुवनेश्वर उनके नाम से आधारित हुआ है, त्रिभुवनेश्वर से। तो हम इसे भुवनेश्वर को टेंपल सिटी ऑफ ओडिशा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भुवनेश्वर पे क्या है ना, मेरे रिसर्च के हिसाब से 700 मंदिर दिखा ही रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि 700 मंदिर मौजूद है बोल के। 700 भी ज़्यादा मंदिर ओडिशा भुवनेश्वर पे भी मौजूद है। तो 700 के 700 मंदिर इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आप सबको दिखा सकती हूँ एक ही दिन पे। चलो मैं कुछ ही मंदिर आप सबको दिखाती हूँ जो कि स्पेशली टूरिस्ट लोग को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलो हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। हाँ, याद रखना मुझे बीच रास्ते में छोड़ के मत जाना, मेरे साथ बने रहना अंत तक। तो चलो हम अपनी जर्नी पे चलो। हाँ याद रखना मास्क पहनना ज़रूरी है, अभी भी कोविड टला नहीं है, है अभी भी। तो बी सेफ, स्टे होट हम अभी तो स्टे होट हम बोल नहीं सकते क्योंकि काम के बिना रह नहीं पाएंगे। तो काम भी ज़रूरी है, सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो चलो अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। टिंग 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 टिंग। सो आप देख ही सकते हैं जैसे कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और धौले सांते सुपर जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, पर मैं यहाँ पीछे के ओर से जा रही हूँ क्योंकि ये रास्ते पे मैं कभी भी गई नहीं थी। ये भी मेरे पहली बार ही है कि मैं जा रही हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द सीनरी एंड एन्जॉय द व्यूज। फाइनली हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं धोने शांति स्तूप। चलो हम ऊपर चलते हैं। पहले हम एक शिव जी का मंदिर यहाँ पर आएगा, फिर वहीं पर दर्शन करते हैं, देन आपको स्तूप दिखाती हूँ हम। बाकी स्तूप तो अभी रिनोवेशन काम चल रहा है तो ऊपर तो जा नहीं सकते, फिर भी आपको दिखा रही हूँ साइड व्यूज। चलो दिखाती हूँ आपको ऊपर जगह। बहुत ही लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कड़वा दुबे। और मैं आके ऑलरेडी पहुँच चुके हूँ धौलागिरी पे, जो धौलागिरी शांति स्तूप कहते हैं। और ये धौलागिरी पे भगवान शिव जी का मंदिर है। धौलागिरी हम इसे पीस पागोड़ा भी कहते हैं, जो कि कलिंग वार जब हुआ था तब भी से ये मंदिर मौजूद है। और यहाँ पे स्पेशली बुद्धिस्ट लोग आते हैं और यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं। और जबकि कलिंग वार हुआ तभी से ये नदी मौजूद है। पहले वो ये नदी जो देख रहे हैं आपको दया नदी बोलते हैं, जो कि ये पहले
खून का नदी बोलते थे, क्योंकि जब त्योहार हुआ था ये जो पानी दिख रहा है वो इस तरह का पानी बह नहीं रहा था, तब वो खून बह रहा था। बहुत सारे योद्धा सब सैक्रिफाई किए थे खुद को कलिंगा वार के टाइम पे। तो अब यहाँ से दिखा रही हूँ, जो स्तूप है वहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि स्तूप के अंदर भी नहीं जा सकते, जो उसके चक्कर भी काट नहीं पाएंगे क्योंकि अभी रेनोवेशन चल रहा है उसका। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वो सब कुछ रेनोवेट कर रहे हैं। ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि रेनोवेशन बोल चल रहा है। देखिए एंट्री प्रोहिबिटेड, मैंने कहा। मैं ये तो सजेस्ट करूँगी अगर विजिट करना होगा तो फिर प्लीज़ विंटर में कीजिए, क्योंकि गर्मी के टाइम में मत करना क्योंकि बहुत ही लगता है धूप। रेनोवेट हो रहा है, क्या ही करें, ऊपर तो जा नहीं सकते वरना ऊपर का नज़ारा देख ही सकते हो, जो कि भैरंगेश्वर मंदिर का था और ये 8th century AD पे बनाया गया था। नहीं जो है बारिश, तो जैसे कि आपको मैं बता ही रही थी कि यहाँ पे सारे जैन लोग आते हैं, बुद्धिस्ट धर्म के आते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लॉर्ड बुद्धा जी उनका स्टैचू देख ही सकते हो। वो तीन मूर्ति दूसरे दूसरे मुद्रा पे बैठे हुए हैं। आ रही थी तो अभी पास आ ही चुकी हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मुद्रा के आसन पर बैठे हुए हैं, उनके पांव के नीचे भी कुछ बना हुआ है। सबको लॉर्ड बुद्ध जी पसंद बहुत ही। तो ये ओडिशा पे आएंगे तो फिर जब भी धौली स्तूप आएंगे तो फिर यहाँ पे आना ज़रूर और विज़िट करना। मुझे तीसरे वाले बुद्ध जी के मूर्ति जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आपको कौन सा पसंद आया ज़रूर कमेंट करके बताना। वाह यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, आए ये दिखाती हूँ, देख ही सकते हो ना कितना सुंदर बना हुआ है यहाँ पे कारीगरी, जिसकी वजह से हम ये सब तो वैसे भी मंदिर पे है ही। उसके देखिए कितना सुंदर बर्ड्स है, छोटू साम। ऑलरेडी फाइनली पहुंच चुके हैं राजा रानी टेम्पल, जो कि 11th and 12th century AD। इस वजह से भीड़ बहुत कम है, मंदिर के आसपास आ गए, अंदर भी जाएंगे और देखें, क्योंकि भगवान तो है नहीं इसके अंदर। लला टिंडू केसरी जो है राजा,
वो इस वजह से ये डेडिकेट एक्चुअली किए थे लॉर्ड शिवाजी एंड गॉडेस पार्वती, क्योंकि वो वैसे भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते ही थे। तो मैं वैसा एंट्री कर रही हूँ केदार गौरी के मंदिर के अंदर, पुजारी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ಮತ್ತೆ ಮಂದಿರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೂತು ಮತ್ತೆ ಮಂದಿರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೂತು ವೈಟ್ ಬಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೂತು ಅಜ್ಞಾ ये पुजारी एक्चुअली बोल रहे हैं कि ये माँ पार्वती जो है उनका माइके है यहाँ पर, तो यहाँ पे शिव जी आके यहाँ पे माँ पार्वती से शादी किए थे। तो केदार जो है वो माँ गौरी के उनके पिताजी हैं। तो पर मुझे तो इतना नॉलेज था ही नहीं, वैसे भी मैं नेट पे सर्च कर रहे थे तो वो दिखा रहे थे कि माँ पार्वती एंड केदार जो है बोल के वो शिव जी हैं बोल के, पर मुझे जो मैं आके यहाँ पे पूछी तो फिर वो बोल रहे हैं कि केदार जी जो हैं वो माँ पार्वती के पिताजी हैं। तो चलो और कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो तब रही थी बाहर रही इतना तक रही थी अच्छा। तो जैसे वो बताए ये मंडप है बोल के केदार गौर के मंडप जो जहाँ पे यहाँ पे शादी हुआ था भगवान शिव जी का एंड माँ गौरी का, और ये हनुमान जी हैं यहाँ पे गौरी जी। मंदिर जो कि 9th एंड 10th सेंचुरी पे बनाया गया था। चलो यहाँ पे भी कितना सुंदर से मेंटेन किया गया है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ही सब कुछ मेंटेन करते भी हैं, देख ही सकते हो। बोल रहे हो ना तब से कि देखिए कितना सुंदर से कारीगरी किया गया है। ये मुक्तेश्वर मंदिर के अंदर तो ऑलरेडी आ ही चुके हूँ, आप देख ही सकते हो जहाँ पे भी वही शिव जी का ही पूजा किया जाता है। और सब आपको बोल रही थी सबसे सुंदर ये वाला, क्योंकि जेम ऑफ ओडिशा बोले जाता है ये वाला, देख ही सकते हो। मैं एक्चुअली यहाँ पे ढूंढ भी रही हूँ वही पुजारी जो, पर पा नहीं रही हूँ। चलो अंदर भी देखते हैं। देखिए यहाँ का कारीगरी भी आपको दिखा देती हूँ, है ना बहुत ही सुंदर। मैं टोटल सर्कल ले रही हूँ इस मंदिर का, पूछो पूछो कहीं जैसा देखिए कितना सुंदर से डिजाइन का है। देखिए कितना सुंदर से कार्य कर रही है, हम तो इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। एंशियंट टाइम में ये भी कलिंग स्कूल, मॉडर्न कलिंग स्कूल बोलते थे आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता था।
काश हम भी होते तब का, तो हम भी अपने आँखों से देख पाते कितना सुंदर से, जितना आजकल तो इतना कारीगरी अच्छे से हो ही नहीं रहा है, चाहे जितने भी पुराना पुराना ही होता है। देखिए, यस आई रियली फील प्राउड दैट आई एम अ ओडिया एंड आई बिलोंग टू ओडिशा। वहाँ पे लायन का वहाँ पे मुंह बना हुआ है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँगी और जो पंडित होंगे उनसे पूछ के इसके बारे में पता कर लूँगी। अच्छा सर, महेरी कुंडा, ये महेरी कुंडा बहुत प्रसिद्ध है। वैसे भी बोलते हैं कि जो महिला ये पानी को पीते हैं उनका जो इनफर्टिलिटी होता है वो ठीक हो ही जाता है, तो ये एज ए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसी टाइप का इसे माना जाता है। पर अब वो सही में होता है या नहीं होता वो तो नहीं पता, क्योंकि ये एंशियंट टाइम से है ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए ये भी पूजा किया जाता है। देखिए सब दान देते हैं यहाँ पे ताकि गंदा ना हो। चलो अब अंदर चलते हैं, जैसे बताई थी मंदिर के अंदर। ये रूफ टॉप है, ओम नमः शिवाय। सो हम आके पहुंच चुके हैं लिंगराज मंदिर पे, तो मैं ये तो फ्रंट साइड दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली ऊपर आई हूँ, तो ताकि मैं आपको साइड व्यू दिखा, स्ट्रिक्टली बैन है, हम मोबाइल लेके जा नहीं सकते अंदर, तो इस वजह से मैं आपको साइड व्यू दिखा रही हूँ। और ये रहा सबसे ऊंचा वाला टावर जो कि 180 फीट का है। यहाँ पे क्या हुआ था ना, जो कि सोमावामसी डायनेस्टी था तभी एक राजा ने ये मंदिर बनाए थे, उसके बाद वो गंगा रूलर्स क्या हुआ ना दोबारा इसे रिब्यूल्ट किए थे। वो गंगा रूलर्स क्या कहते हैं, रिबुल जो किए थे वो सेपरेट सेक्शन में डिवाइड किए थे, जैसे कि चार सेक्शन, फर्स्ट है विमाना, देन जगमोहन, नाट मंदिरा एंड भोग मंडप। वो चार सेक्शन भी इस वजह से डिवाइड किए थे, एक और पूजा ऑफर करते हैं भगवान शिव जी को, यहाँ पे भगवान शिव जी ही को वर्शिप करते हैं सारे उड़ीसा वासी एंड बाहर के लोग भी आके यहाँ पे पूजा करते हैं, विज़िट करते हैं। और पर डे लगभग 6000 एंड 6000 से अधिक डिवोटीज आते हैं भगवान शिव जी के पर, जबकि महाशिवरात्रि होता है तब भी 2 लाख से अबव विजिटर्स एंड डिवोटीज आते हैं महादेव देखने के लिए। तो आपको दिखा रही हूँ ये टोटली, तो मैं आपको फ्रंट व्यू भी दिखाऊँगी जाके, क्योंकि सिर्फ गेट का ही व्यू दिखा सकते हैं, यहाँ से साइड का व्यू दिखा रही हूँ। चलो अब मैं आपको गेट की ओर ले चलती हूँ करके। अब देख ही रहे हैं मंदिर, मौसमा मंदिर जो कि भुवनेश्वर पे उपस्थित है, उत्कलिया गैलरिया के आसपास कल्पना का जो स्टेट म्यूज़ियम है वहीं पे मैं ये उपस्थित है। अब देख ही सकते कितने, उसका शिखर ऊपर ही है। एंड ये हम मौसमा को भी अर्धशनी नाम से भी जानने जाते हैं वो, और जो कि बोला जाता है कि ये अर्धशनी माँ जो हैं जो कि समुंदर के आधे पानी तक पी चुके थे, जो कि बाद में वो फ्लड भी हुआ था इसके वजह से। एंड यहाँ पे एक पार्क भी मौजूद है, देख सकते हो, एंड एक लेक साइड है मंदिर के अंदर, तो आपको दिखाती हूँ उस तरफ जाने से पार्क आएगा।
ज़्यादा पकड़ अच्छी। चलो मंदिर के और चलते हैं। चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो बातें हैं लोकल्स भी यहाँ पे आके बैठ के बातचीत करते रहते हैं। अभी दोपहर का टाइम है तो इस वजह से अभी बंद है डोर, बोलते हैं उड़िया पे पहाड़, इस वजह से यहाँ पे रहते हैं योगी लोग। पर हे जितना भी है बहुत सारा है। आप देखिए ऊपर कितना उसका शिखर। भगवान गणेश जी चलो यहाँ से एक फूल कलेक्ट की हूँ, इसे नागा चंपा बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। देख लीजिए गौर से मंदिर को, इसे मौसमा मंदिर बोलते हैं, जहाँ पे श्री जगन्नाथ जी वो जब उनके पत्नी चले गए थे गुस्सा होके उनके ऊपर, वो यहाँ पे आके 7 दिन के लिए ठहरे हुए थे अपने मौसी के घर, इस वजह से उसी टाइम हम मनाए जाते हैं गुंडीचा यात्रा बोलते हैं वहाँ पे भी, एंड रथ यात्रा तो अभी रिसेंटली गया आपको पता ही है, सबसे वर्ल्ड फेमस यात्रा कार फेस्टिवल। तो आई ट्रिब्यूट दिस फ्लावर है भट्टेश्वर मंदिर, जो कि मौसमा मंदिर के ऑपोजिट साइड पे ही है। वो मौसमा मंदिर है देख सकते हैं, एंड ये भट्टेश्वर जो कि 6th century पे बनाया गया था, और ये रहा मंदिर, और ये के ऊपर ही बनाया गया है ये मंदिर। अब इसका आर्किटेक्ट देख ही सकते हो, दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए शिवलिंग है अंदर, टोटली वाइट ही वाइट, मतलब कि वाइट कलर तो आपको पता ही होते हैं, नॉट ऑल बट कुछ है ना। टोटेट पे तो काम चल रहा है बोल के उस ओर से आ नहीं पाई, तो बैक गेट से आना पड़ा मुझे, आपको दिखा ही रही हूँ, कोई नहीं मैं मेन गेट भी आपको दिखाऊंगी। ये रहा देखिए, आज तो वैसे बहुत ज़्यादा ही कड़वा धूप है, रोज़ लगा हुआ है, कितना सुंदर है देखिए। दिखा रही हूँ रोज़, मुझे तो दूर से दिखाई, और ये रहा रोज़, कितना सुंदर से क्रेव किया गया है ये पिलर वगैरह देखिए, जिसको भी पसंद है रोज़ ले ही लीजिए। यहाँ से दे रही हूँ आपको, है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है ना। गोविंद मोल रे छड़ रे मन्नति कपट चतुर मदन बोले हरी हरी, ये वाला सबसे फेवरेट है मेरा, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला भजन जय गुरु का, मुझे इतना ही पता था तो फिर इस वजह से बोल दी। मुझे वैसे भी गाना तो गाना नहीं आता,
मैं इतने बड़े सिंगर में नहीं हूँ, बस कुछ ही लगता है। गुरु को बोलते हैं कि लिविंग गॉड, मानते हैं सबके सब। देखिए कितना सुंदर। अब यहाँ से आपको टोटली नज़ारा दिखाया जा सकता है। ये रहा फ्रंट गेट जो कि काम चल रहा है इस वजह से आ नहीं सकी, तो बैक गेट फुल। रोड स्ट्रिक्टली मना किए, डर लग रहा है कुछ बोल ना दे, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि मैं तो रेकॉर्ड नहीं कर पाऊँ बोल के। कितना सुंदर है, पहले तो कभी यहाँ पे आई तो नहीं थी। सुंदर, अति सुंदर ना, साफ सफाई भी चल रहा है। पता नहीं शायद अंदर भगवान है क्योंकि उसका गेट बंद हुआ है, लॉक हुआ है। It's so pretty. अभी लॉक हुआ है एंड आई एम श्योर लॉर्ड शिवाजी ही होंगे यहाँ पे। यस माय गेस वाज राइट। ये देखिए रुकिए मैं दिखा रही हूँ। चक्कर वाह, कब का इसका इंतज़ार कर रहे थे, कब आके ब्रह्मेश्वर मंदिर विजिट करूं बोल के। रियली लव्ड इट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और एरिया चाहे कुछ भी हो जाए हमें एनी हाउ अपना जूते निकालना है एंड अंदर जाना है। देखो ना चलो, एंट्री हो चुकी है।
ये भी वही कलिंगा आर्किटेक्चर के स्टाइल से बनाया गया है। देखिए बारी बारी कैसे कितना सुंदर से बनाया गया है, क्योंकि ये एंशियंट टाइम का था, बल्कि कहीं पे आधा सर नहीं है तो कहीं पे कुछ पत्थर का है टोटली, तो इस वजह से आधा अधूरा है सब कुछ, देख सकते हो। और ये जय बजरंगबली जी हाँ इस मंदिर पे उपस्थित हुए हैं, एंड इवन इफ लॉर्ड शिव जी भी। इसका भी देखिए कितना बारीक है, कितना सुंदर से बनाया गया है, कितना सुंदर कारीगरी है जी। नो देखिए बाबा ब्रह्मेश्वर जो ब्रह्मेश्वर है, मैं तो सोच रहे थे ब्रह्मादेव को यहाँ पे पूजा करते हैं बोल के, बाकी यहाँ पे शिव जी को भी पूजा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है मैं उन्हें पूछे तो वो बोले कि जो ब्रह्मा जी हैं वही शिव जी हैं, तो फिर उन्हें पूजा जा करते हैं यहाँ पे। तो कारीगर आप तो देख ही सकते हो, कब कब बोल ही रहे थे कारीगर। देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग भी हुआ है इसका, नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाएंगे ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा या कंटेंट होगा, तो फिर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक मोर विजुअल एंड आई विल ट्राई टू मेक इट फ्रॉम टॉप व्यू ऑल्सो, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर एक्चुअली प्रॉपरली, बट चाहे जो भी हो मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं कर ही लिया, वैसे भी आना था बोल के। मुझे मन हो रहा है कि यहीं पे ठहर जाऊँ और सो भी जाऊँ, यहाँ अच्छा हवा भी चल रहा है।